गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने जनसंख्या से संबंधित सिद्धांतों के बारे में अपनी चर्चा करी थी। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत विशेष तौर पर जनसंख्या और संसाधनों के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन करने के लिए सिद्धांतों की रचना की गई। जो जनसंख्या वृद्धि या विकास से संबंधित सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपन ने युग या समय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अध्ययन की सरलता रहे। तो समय या युग के अनुसार जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को दो भागों में अंदर बांटा गया है। आप लोगों को बताया था मैंने, पहला पॉपुलेशन थ्योरीज ऑफ क्लासिकल एज, चीर सम्मतकालीन या चीर सम्मतकालीन में काल में जिन सिद्धांतों का विकास हुआ वो, और दूसरी मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधुनिक सिद्धांत। जो चीर सम्मतकाल में या क्लासिकल एज में जिन सिद्धांतों का विकास हुआ उनमें एक तो मार्कस का सिद्धांत और दूसरा आइडियल या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, मतलब आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। जो आधुनिक युग में जिन सिद्धांतों का विकास हुआ उन सिद्धांतों को भी मुख्यतः दो भाग है, कई सिद्धांत है लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है वो आधुनिक युग के दो सिद्धांत हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, एक बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है वह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत। जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धांत को दो अन्य नामों से भी जानते हैं, एक पॉपुलेशन साइकिल, जनसंख्या चक्र, और दूसरा इसका नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेजेस, मतलब जनसंख्या विकास या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। अपन ने यह भी अध्ययन किया कि जो डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी है, मतलब जनसंख्या परिवर्तन या जन आंकिकी परिवर्तन का जो सिद्धांत है, वर्तमान में यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है और इस सिद्धांत में जनआंकिकी परिवर्तन सिद्धांत में जनसंख्या विकास या वृद्धि की पांच अवस्थाएं मानी गई है और इस सिद्धांत का आविष्कार करने वाला जो डेमोग्राफर था या जनसंख्या भूगोलवेत्ता था उनका नाम था प्रोफेसर सीपी बालकर। इसके अलावा प्रोफेसर सीपी बालकर के अलावा इस सिद्धांत में जो अन्य विद्वानों ने विचार दिए उनमें एक प्रमुख जो नाम था वह बार्कडॉर्फर और साइमन। बार्कडॉर्फर और साइमन ने भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का समर्थन किया और अपने विचार प्रकट किए। इसके अलावा इस सिद्धांत की जो पांच अवस्थाएं बताई उनमें संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का भी योगदान है। यूनाइटेड नेशन में भी ने भी जनसंख्या वृद्धि या विकास की पांच अवस्थाएं बताई। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है या जनसंख्या वृद्धि या विकास की जो पांच अवस्थाएं हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, चर्चा करी थी। उस चर्चा के अंदर अपन ने एक डायग्राम चित्र के द्वारा इसको समझने की कोशिश करी थी, जो कि अपन ने कल इसको अपने समझने की कोशिश करी थी।
इसके अंदर देखिए पांच अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी, चौथी, पांच, पांचवी, फिफ्थ स्टेज। ये जो अपने डायग्राम बनाया, चित्र बनाया, इसके अंदर लंबवत अक्ष के ऊपर अपने लिखा था बर्थ एंड डेथ, मतलब जन्म और मृत्यु, पर थाउजेंड पर ईयर, मतलब प्रतिवर्ष मरने वाले और जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, और दो रेखाएं बनाई थी, एक तरह से लीनियर ग्राफ के द्वारा अपने समझने की कोशिश करिए इसको। दो रेखाएं बनाई थी, जो ऊपर की रेखा है ये बोल्ड रेखा है, ये बर्थ रेट जन्म दर को प्रदर्शित करती है, और नीचे वाली जो डॉट 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 लाइन में जो रेखा है ये मृत्यु दर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर इस इन पांच अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया है अपन ने। पहली जो अवस्था और जो इसका यह जीरो है, और जो ओरिजेंटल अक्ष है, जो क्षैतिज अक्ष है, या यहां पर अपने क्या प्रदर्शित किया है, जनसंख्या विकास की या जनांकिकी विकास की पांच अवस्थाएं, फाइव स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या परिवर्तन या जनांकिकी परिवर्तन की पांच अवस्थाएं। यह अवस्थाएं कहां है, क्षैतिज अक्ष पर, लंबवत अक्ष पर, जन्म और मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है, और किसमें है ये, प्रति हजार, पर थाउजेंड पर ईयर, मतलब प्रति वर्ष प्रति हजार लोगों के पीछे कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मरते हैं, इसका प्रदर्शन इसपे किया गया है, लंबवत अक्ष पे। अपन ने प्रथम जो अवस्था है इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी, प्रथम अवस्था के अंदर हाई फर्टिलिटी रेट, मतलब उच्च जन्म दर होती है, और हाई मोर्टिलिटी रेट या डेथ रेट, उच्च जन्म दर, मतलब प्रथम अवस्था में उच्च मृत्यु दर होती है, उच्च जन्म दर होती है, तो दोनों ही उच्च है, और दोनों उच्च कहां तक है, 40-50 व्यक्तियों के बीच में। जब 40 और 50 व्यक्तियों के बीच में किसी भी देश में जन्म लेते हैं लोग, और इतने ही लोग मरते हैं प्रति हजार लोगों के पीछे, तो ऐसे देशों को जिसमें ऐसी दशा पाई जाती है 40-50 व्यक्तियों के बीच की जन्म दर और मृत्यु को प्राप्त करने लोगों की संख्या, तो ऐसे देशों को जनसंख्या वृद्धि या विकास की प्रथम अवस्था में सम्मिलित करते हैं। इस अवस्था की एक पहली जो विशेषता है वो यह है कि प्रथम अवस्था में कभी भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, मतलब वृद्धि होती है वो स्टैटिक होती है, लगभग स्थिर होती है, न तो जनसंख्या बढ़ती है न कम होती है, बल्कि कभी कभी महामारियों के कारण जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो जनसंख्या जो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है जिसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली अवस्था के अंदर जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि मृत्यु दर जन्म दर दोनों ही उच्च होती है, इसलिए जनसंख्या स्थिर होती है, और कभी कभी जनसंख्या घट जाती है, और इस प्रकार की जनसंख्या पर प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण होता है। और जो ऐसे देश होते हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि की प्रथम अवस्था पाई जाती है, ऐसे देश बहुत पिछड़े हुए होते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की लगभग अनुपलब्धता होती है, साथ ही साथ जहां वहां जो है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण जैसी स्थितियां पाई जाती है। प्रथम अवस्था किन देशों में पाई जाती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रथम अवस्था है इस प्रकार की अवस्था पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए देशों में पाई जाती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के देश ज्यादातर प्रथम अवस्था में आते हैं, और मध्य अमेरिका के देश जैसे ग्वाटेमाला वगैरह या मैक्सिको वगैरह जो प्रथम अवस्था में सम्मिलित इनको करते हैं। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था के अंदर देखिए आप, जन्म दर बहुत उच्च है और मृत्यु दर भी 40 से लगभग ऊपर ही है, लेकिन देखिए प्रथम अवस्था की बजाय मृत्यु दर थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है 40 से, मतलब जैसे मान लो यहां पर 46-47 थी, तो थोड़ी यहां तक ये सेकेंड अवस्था में देखो थोड़ी नीचे आ गई,
लेकिन जन्म दर में कोई खास कमी नहीं आई। तो दूसरी अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी घटती हुई स्थिति में होती है। तो इस प्रकार द्वितीय अवस्था के अंदर हाई बर्थ और फर्टिलिटी रेट होती है और मृत्यु दर मोर्टिलिटी भी हाई होती है बट डिक्लाइनिंग घटती हुई दशा में होती है। तो ये डिक्लाइनिंग है तो थोड़ी सी नीचे आती है, ठीक है, इसका अपन ने चर्चा कर ली थी। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था के अंदर क्या है, तीसरी अवस्था के अंदर जो जन्म दर है वो तो उच्च ही रहती है। तो देखो मैंने लिख भी दिया हाई फर्टिलिटी, उच्च जन्म दर, लेकिन आप देखिए मृत्यु दर, मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। देखिए यहां दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, लगभग बराबर है, यहां मृत्यु दर थोड़ी कम हो गई है लेकिन है ऊंची, क्योंकि ऊंची मृत्यु दर ही बताएंगे अगर 40 से ऊपर है। यहां देखिए आप जन्म दर तो 40 से ऊपर ही है लेकिन देखिए मृत्यु दर 40 से नीचे हो गई, लगभग 30 से भी नीचे आ गई। मतलब हाई जो जनसंख्या वृद्धि या विकास की जो तीसरी अवस्था है इसमें जन्म दर या फर्टिलिटी रेट तो हाई होती है लेकिन मृत्यु दर मॉडरेट हो जाती है। तो हाई फर्टिलिटी या बर्थ रेट एंड मॉडरेट मतलब मध्यम प्रकार की मृत्यु दर हो जाती है, मतलब मृत्यु दर कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए तीसरी अवस्था के अंदर जनसंख्या में देखो पहली अवस्था में तो बढ़ती ही नहीं है बल्कि कम बनाई हो जाए, दूसरी अवस्था के अंदर क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे लेकिन जन्म दर थोड़ी कम हो जाती है, वो मृत्यु दर थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जनसंख्या में दूसरी अवस्था में वृद्धि होती है। अब तीसरी अवस्था के अंदर अपन ने देखा कि जन्म दर तो ऊंची है हाई है लेकिन आप देखिए मृत्यु दर बहुत कम हो गई, तो जन्म दर बहुत हो जाएगी मृत्यु दर कम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो बहुत तीव्र गति से होगी, रैपिडली पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कौन सी अवस्था में होती है, तो आपका आंसर होगा कि जनसंख्या की वृद्धि जनसंख्या विकास की तीसरी अवस्था में सर्वाधिक होती है और तीसरी अवस्था जिन देशों में पाई जाती है वहां लगभग ओवर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या विस्फोट या जनाधिक्य की समस्या पाई जाती है। तो ऐसे कौन से देश हैं जहां पर जनाधिक्य या जनाभाव वो जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन की स्थिति पाई जाती है या जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। ऐसे देश ज्यादातर आप लोग देखिए अगर अपने विश्व का जनसंख्या मानचित्र देखें तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर एशियाई देश और उसमें भी स्पेशली वेस्टर्न एशियाई देश जिनको फारिस्ट के नाम से भी जानते हैं जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान अरब देश ईरान इराक कुवैत वगैरह ये सारे के सारे सऊदी अरब, तो इन देशों के अंदर जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो बहुत अधिक होती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो जाता है, प्रॉपर पोषण मिलने लग जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, कैलोरी जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जनसंख्या जनाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा भारत श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार नेपाल नेपाल भूटान दक्षिणी अमेरिकी देश यहां पर जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। तो यहां अपन कह सकते हैं कि भारत जैसे जो पूरे विकसित नहीं हुए और न अधिक पिछड़े हुए जो बीच के राष्ट्र हैं जिनमें विकास तो हुआ है लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं वहां पर जनाधिक्य ओवर पॉपुलेशन की स्थिति पाई जाती है, जैसे भारत पाकिस्तान जो है चिली पेरू ये अगर अपन साउथ अमेरिका की बात करें तो एशियाई देश ज्यादातर
इस स्थिति से गुजर रहे हैं। कौन सी स्थिति से, कौन सी अवस्था से? तीसरी अवस्था से। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जनसंख्या विकास या वृद्धि की चौथी अवस्था की, फोर्थ स्टेज की। चौथी अवस्था के अंदर क्या होता है? चौथी अवस्था के अंदर यह होता है कि मॉडरेट जन्मदर या फर्टिलिटी रेट, मतलब मध्यम प्रकार की जन्मदर होती है, मतलब जन्मदर मध्यम हो जाती है, क्योंकि जो देश विकसित होते हैं जैसे जैसे वहां पर जन्मदर पर कंट्रोल करते हैं परिवार नियोजन के साधनों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या बाल विवाह पर रोक लगाकर कई प्रकार के उपाय अपनाकर सरकारें विकसित होती है, तो फिर वो जनसंख्या फैमिली प्लानिंग करती है, परिवार नियोजन का साधन अपनाती है और जनसंख्या को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ऐसी स्थिति जो लगभग विकसित है उन देशों में पाई जाती है। यहां क्या होता है, जन्मदर कम होती है, देखो देखिए जन्मदर की 30 के आसपास आ गई, मॉडरेट होती है, और मृत्यु दर तो और भी बहुत कम हो जाती है। जब मृत्यु दर कम हो जाएगी जन्मदर भी कम हो जाएगी, लेकिन जन्मदर मृत्यु दर की अपेक्षा थोड़ी अधिक रहेगी, तो जनसंख्या वृद्धि तो होगी लेकिन बहुत कम होगी। मतलब जनसंख्या वृद्धि के तीन प्रकार है, एक जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, शून्य जनसंख्या वृद्धि जो लगभग यहां पाई जाती है, एक दूसरी अवस्था कौन सी है जिसमें जनसंख्या वृद्धि तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरी ओवर पॉपुलेशन, जनाधिक्य वाली समस्या होगी तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था के अंदर क्या है कि जन्म दर भी कम हो रही है और मृत्यु दर तो और भी कम हो रही है, तो फिर यहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, वो वृद्धि तो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, लेकिन कम वृद्धि होगी। तो ऐसे आप देखिए दोनों को, ये जो लाइन है जन्म दर वाली, ये देखो कितनी नीचे आ गई, और मृत्यु दर वाली डॉट डॉट लाइन देखो और भी कम आ गई। तो इस प्रकार जो तीसरी अवस्था है इसमें जनसंख्या वृद्धि होगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नाम मात्र की होगी, क्योंकि ये विकसित देश, लगभग विकसित देश होते हैं, यहाँ पर परिवार नियोजन के साधन अपनाए जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होता है और शिक्षा होती है, तो धीरे धीरे जनसंख्या पर कंट्रोल होने लग जाता है। और ऐसे देश जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि या विकास की चौथी अवस्था पाई जाती है, फोर्थ स्टेज पाई जाती है, जनसंख्या परिवर्तन या विकास की या वृद्धि की, तो ऐसे देश विकसित देश होते हैं। और ऐसे देशों के अंदर किन, अपन अगर मान लो विश्व के मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र पर नजर डालें, तो ऐसे देशों के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरू, मतलब दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों को सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं अपन पांचवी अवस्था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। पांचवी अवस्था के अंदर जनसंख्या की जो जन्मदर है वो बहुत कम हो जाती है, या लगभग 10 के आसपास आ जाती है, और मृत्यु दर भी 10 व्यक्तियों के आसपास ही आ जाती है। ये कौन सी स्टेज है? फिफ्थ। ये कौन सी है? फोर्थ। ये कौन सी है? थर्ड स्टेज। ये कौन सी है? सेकंड स्टेज। ये कौन सी है? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज पिछड़े क्षेत्रों में, सेकंड स्टेज जो थोड़े पिछड़े से थोड़े से आगे निकल गए, जिनमें लगभग भारत को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन विशेष तौर पर जो है इसके अंदर वो देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के पिछड़े हुए हैं, वो थोड़े से उन्नत हो गए, सूडान वगैरह, नाइजीरिया, वो देशों को इसमें सम्मिलित करते हैं, स्पेशली दक्षिणी अमेरिकी देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज के जो पिछड़े देश है उन्हीं को सम्मिलित करते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर जहां पर जनाधिक्य की समस्या होती है, क्योंकि जन्म दर तो थोड़ी कम हो जाती है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, रैपिडली ग्रोथ होता है, तो जनाधिक्य ओवर पॉपुलेशन स्थिति होती है, इनमें किसको सम्मिलित करते हैं अपन? स्पेशली एशियाई देशों और कुछ साउथ अमेरिकन देशों,
ठीक है। फोर्थ फिफ्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज के अंदर देखिए आप पांचवी जो दशा है इसके अंदर जन्म दर लो फर्टिलिटी, लो फर्टिलिटी या लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट या मॉर्टिलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है और जन्म दर भी बहुत कम हो जाती है, और ये मृत्यु दर और जन्म दर लगभग 10 या 10 से भी कम की स्थिति के अंदर आ जाती है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, जब जन्म दर बहुत कम हो जाएगी और मृत्यु दर तो और भी कम हो जाएगी, मतलब दोनों ही बहुत कम हो जाएगी और दोनों लगभग आके एक जगह मिल जाएगी। देखिए आप जैसे यहां जन्म दर मृत्यु दर मिल रखी है, वैसे यहां पांचवी अवस्था में आके वापिस जन्म दर और मृत्यु दर मिल जाती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है कि जनसंख्या की वृद्धि का जो प्रारूप होता है या प्रकार होता है वो होता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। या तो देखो स्थिर है कि 19-20 या तो जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब स्थिर, यहां जनसंख्या वृद्धि होगी लेकिन बहुत कम होगी, या जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होगी तीसरी अवस्था में, या जनसंख्या वृद्धि होगी लेकिन कम होगी, या जनसंख्या वृद्धि होगी लेकिन जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और सामान्य शब्दों में कह सकते हैं अपन कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाएगी, लेकिन जनसंख्या भूगोल में या साइंटिफिक जो टर्म है इसके लिए वैज्ञानिक जो शब्द है वो कहीं नहीं है जनसंख्या कमी का, बल्कि ये है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है या नेगेटिव होती है। तो यहां पॉपुलेशन ग्रोथ दूसरी तीसरी चौथी अवस्था के अंदर पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव होती है, तो जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है। और ऐसी स्थिति जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, ऐसी स्थिति कहां पाई जाती है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे देश वो देश होते हैं विश्व के जिन देशों के अंदर क्या होता है, जिन देशों में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया, जो बहुत अधिक विकसित हो गए, जिनके हाई टेक्निक आ गए, जहां पर बाल विवाह नाम मात्र के भी नहीं होते हैं, जहां पर जो खाने का प्रतिदिन का जो भोजन होता है उसकी कैलोरी आवश्यक कितनी है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2400 कैलोरी, लेकिन पहली अवस्था के अंदर लोगों को मैल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार होते हैं, प्रकृति का पूर्णतः नियंत्रण होता है, विपदाएं आपदाएं आती रहती है, स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन यहां पर सब कुछ अवेलेबल है, क्या उच्च कैलोरी वाला भोजन, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी, बाल विवाह बिल्कुल नहीं, ब्लाइंड फेथ अंधविश्वास बिल्कुल नहीं, शादी करी तो करी नहीं करी तो नहीं करी, जैसे आप लोग देखते हो वेस्टर्न कंट्रीज के जो फॉरेनर्स घूमने आते हैं वो 40-40 साल तक शादियां नहीं करते हैं, एकाकी जीवन व्यापन करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। तो वहां पर फिर बाद में क्या होता है कि वहां पर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहां पर जनसंख्या डिक्रीज होगी, जनसंख्या वहां पर कम होगी, घट जाएगी। तो पांचवी जो अवस्था है यहां पर जनसंख्या वृद्धि नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, या जनसंख्या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं घट जाती है, तो यहां पर कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अंडर पॉपुलेशन, मतलब जनाभाव की समस्या। देखिए जनसंख्या संबंधी समस्याएं दोनों स्थितियों में होती है, अगर जनसंख्या जनाधिक्य पाया जाता है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जन विस्फोट होता है जनसंख्या का, तो समस्या अलग प्रकार की होती है, लेकिन जैसे जनाधिक्य की समस्या बहुत बड़ी समस्या है ओवर पॉपुलेशन की, उसी प्रकार अंडर पॉपुलेशन मतलब जनाभाव
जनसंख्या की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है विभिन्न देशों के लिए। और ऐसे कौन से देश हैं जो जनाभाव अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? ऐसे देश हैं विश्व के बहुत अधिक विकसित देश, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। तो किन देशों को अपन सम्मिलित करेंगे पांचवी अवस्था में, फिफ्थ स्टेज में अपन सम्मिलित करेंगे? जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इटली हो, फ्रांस हो। एशिया में जापान बहुत ही विकसित है, तो जापान में भी क्या है, अब क्या हो गया, अंडर पॉपुलेशन, मतलब जनाभाव की समस्या पैदा हो गई। उतनी भी जनसंख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो जरूरी है देश के विकास के लिए। तो फिर इन देशों के अंदर क्या होता है, जनाभाव अंडर पॉपुलेशन की समस्या पैदा हो गई। तो समझ गए होंगे पांचवी अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि जो ऋणात्मक होती है, या अपन कह सकते हैं कि यहां जनाभाव या जनसंख्या की कमी की समस्या पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि या विकास की जो पांचवी अवस्था है उसमें जनसंख्या घटती है। और ये पांचवी अवस्था किन देशों में पाई जाती है? सिर्फ जो विश्व के बहुत अधिक विकसित देश है उनमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर उच्च शिक्षा होती है, उच्च खान पान होता है, उच्च टेक्निक होती है, हाई टेक्नोलॉजी कल डेवलपमेंट हो चुका है इन देशों में, तो यहाँ पर कमी हो गई जनसंख्या की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, कौन से देश है विशेष तौर पर, यूरोप के सारे देश जनाभाव से जूझ रहे, जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है। इसी प्रकार जैसे रूस है, रूस के अंदर आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, 1990 के अंदर सिर्फ 1480 लाख 1480 1990 में 1480 लाख लोग थे रूस में। लेकिन आप देखिए 2007 में यहां पर 1480 से 1420 लाख लोग ही बचे, मतलब सिर्फ कितने सालों के अंदर, लगभग 15-16 साल के अंदर ही 60 लाख लोग कम हो गए रूस में, 60 लाख पर्सन्स कम हो गए। तो इसी, तो यहां क्या है कि रूस, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन है, जनाभाव की समस्या पाई जाती है। और इस जनाभाव को पूरा करने के लिए फिर लेबर वगैरह काम करने के लिए लोग कारखानों में या ऑफिसों में कहां से आएंगे? वो फिर अपने जैसे देश जो कि जनाधिक्य से जूझ रहे हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन देशों से ये लोग किन देशों के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, स्थानांतरित या प्रवास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पांचवी अवस्था वाले देशों में। पांचवी अवस्था वाले देश कौन से हैं? जो बहुत विकसित है, जो जनाभाव से जूझ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन का मतलब पढ़े लिखे लोगों का दूसरे देशों में प्रवास करना या पलायन कर जाना। भारत जैसे देश में आप लोगों को पता है कि भारत जैसे देश में यहां पर हायर एजुकेशन पाते हैं लोग, और विदेशों में जाकर या तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस चले जाएंगे, या ब्रिटेन चले जाएंगे, या इटली चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, और वहां जाके अपनी सेवाएं देंगे। तो ये कहलाता ब्रेन ड्रेन, मतलब उच्च शिक्षित लोगों का दूसरे देशों में जाकर रोजगार करना, साथ में लेबर जैसी, मतलब श्रमिक भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से इन देशों में जाते हैं, क्योंकि यहां जनसंख्या की बहुत कमी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताई। हालांकि जनसंख्या वृद्धि के चार सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन चार सिद्धांत मेन है, माल्थस का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत, आदर्श अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जीव वैज्ञानिक सिद्धांत
और एक ये चौथा जनांकी की परिवर्तन या संक्रमण का सिद्धांत जो कि ब्लाकर ने दिया था। इन पांचों इन चारों सिद्धांतों के अंदर विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा सिद्धांत है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो ब्लाकर ने दिया। इसके बारे में अपन ने चर्चा करी, कल भी करी, आज भी करी, क्योंकि कल यह पूरा नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से आप लोगों के समझ में आया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी है, जनसंख्या वृद्धि का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आर एस मैंस और अन्य जो हायर लेवल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उन सब में ये सिद्धांत लगभग है। तो आपको बहुत कंसंट्रेट करके इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। और आप लोगों को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, क्यों भी हो, आप लोग हमारे से आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।